जो मैंने वीडियो पिछला वाला ख़त्म कर दिया था उसी वीडियो से मैं अभी वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाइक करके यहाँ तक पहुँच गया शेरपा गाँव। सुबह स्टार्ट किया था अभी शायद से 5 या 5:30 बज गए। और ये खूबसूरत सा गाँव, एक छोटे छोटे घर, ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पर, और थोड़े बहुत गेस्ट हाउस भी है। तो वो जो भैया मेरे को मिले थे, जिन्होंने जो मेरे साथ थे, आप पिछले वीडियो में देखे थे, वो भैया का जो गेस्ट हाउस है वो यही है, शेरपा गेस्ट हाउस। और ये भी एक उनका घर है। ये यहाँ पे बाहर का नज़ारा है, ये जो है सारे खेत है। ओके ओके, तो आ गया मैं। हेलो अभी वीडियो स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक्चुअली मैं पहले ही मिल गया था। तो ये है भैया की फैमिली सारी। कौन सा लैंग्वेज में बात करते? हमारा भाषा है, ये भाषा तो केरोंग की भाषा से मिलता जुलता है। केलोंग से? केरोंग। अच्छा, मगर फिर भी वो जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है। तिब्बतियन अलग है? तिब्बतियन का भी बहुत मिलता जुलता है, उससे भी मिलता जुलता है। ये जो तिब्बतियन जो रेगुलर बोलता है वो भाषा से थोड़ा अलग है। अच्छा जी, थैंक यू को क्या बोलते हैं आपका लैंग्वेज में? थैंक यू का जी, जो तिब्बतियन जो रेगुलर जो भाषा है उसमें तुझी से बोलता है। तुझी से? तुझी से। अच्छा, तुझी से। और हमारे भाषा में ओरछे बोलूंगा, ओरछे कॉफी के लिए। थैंक यू, ओरछे ओरछे। तो अभी हमने पूरा रास्ता पार करके हम भैया के घर पे आ गए थे, एक कॉफ़ी पी, एक मैगी नहीं बोलते उसको, रारा लोकल है, लोकल नेपाल का ब्रांड है, मैगी नहीं है वो, रारा बोलते उसको, नूडल्स है मतलब। और अभी बारिश रुक गई तो सब कुछ अभी हरा भरा दिख रहा होगा आपको, देख सकते हो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया, मतलब डार्क ग्रीन हो गया, पहले तो था ही ग्रीन, अभी और ज़्यादा ग्रीन हो गया। और सामने की तरफ ये जो पहाड़ है आपको दिखाऊँगा, ये स्नो के वजह से, स्नो नहीं क्या बोलते इसको, फॉग के वजह से ढक गए थे, फॉग की वजह से पूरा ढक गया था वो पहाड़ सामने वाला, लेकिन अभी पूरा क्लियर हो गया, स्नो दिख रही है वहाँ पे सामने, आप देख सकते हो। और इस साइड भी है, भैया बता रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है मतलब, और घर भी मतलब बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। ये है शेरपा गेस्ट हाउस, यहाँ पर मैं आज रहने वाला हूँ। इसको कुछ काला मुर्गा है पूरा, इसका खून भी काला है क्या? ख्याल से इसका मांस भी काला है। पहले मेरे को लगता था कि शेरपा गांव मतलब यहाँ पे बस शेरपा लोग रहते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका कुछ और ही मतलब है, उसको ये शेरपा गांव बोलते हैं। अच्छा, नेपाली लोग बोलते हैं शेरपा गांव, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग है उन्होंने अलग नाम दिया है। क्या नाम था भैया, भूल गया मैं? शेरपो। अच्छा, शेरपो बोलते हैं उसको। ये जो है थोड़ा सा ये गांव का कम्युनिटी हॉल है ये। अच्छा, ये कम्युनिटी हॉल है, ये बंद है। बंद है अभी। आयोजना सूचना पार्टी, पूरा नेपाली में लिखा हुआ है। अगर कोई नहीं है, कुछ पूजा करना हो या कुछ भी, शादी हो कुछ वगैरह, गैदरिंग कुछ भी करना हो तो इधर जमा, इधर आके डिस्कस करते हो, मीटिंग करते हो। बढ़िया है, वहाँ पर तो धूप भी आ गई अभी सामने की तरफ, अभी खुल गया ना। हाँ, पूरा अभी आसमान खुल गया। अभी ये जो है ना, एक दो पार हो गया, तीसरा वाला ना पीछे वाला, हाँ हाँ, शबरीगंज से वो उसकी पार के नीचे। अच्छा, तीसरा थर्ड पार, मतलब मैं वहाँ से आया था, उसके नीचे से ऊपर चढ़ गया। अरे वाह, बहुत दूर आ गया मैं। मेरे को लेकिन वापस भी जाना है उतने दूर। टीवी हो ये सब वो मंत्र लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर, पत्थर के ऊपर पूरे मंत्र लिखे हुआ, जो फ्लैग में लिखे हुए वही पत्थर के ऊपर भी लिखे है, पुराना है। नहीं बोल रहा है ऊपर जाना। अच्छा, जाओ चल लग जाऊं मैं जल्दी जी। मैं तो ये है शेरपा गांव की ऊंचाई।
ये भी गेस्ट हाउस है यहाँ पर, हेलो थ्री ब्रदर्स होम स्टे एंड लंच पॉइंट। आप कभी यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिलेंगे। पूरा गेस्ट हाउस है ना यहाँ पे, जो बिजनेस है वो उस पे ही चलती है, टूरिस्ट पे चलता है। दो साल बंद था तो फिर कैसा चला? दो साल तो सब ऐसे ही है, वो खेती से ही कल चला, खेती से ही बस। अच्छा, कुछ नहीं था मतलब? कुछ नहीं था। ये जो पीक है उसका कुछ नाम है, क्या नाम था भैया, भूल गया? कोबरजिन ठोकरजिन ठोकरजिन। अच्छा, वो भी एक पीक है। वो लांगतांग से ऊंचा है क्या ये? जी नहीं नहीं नहीं। अच्छा, छोटा ही है। लांगतांग तो ये से बहुत ऊपर हो गया वो। मेरा पुराना घर है ये आपका घर है? पुराना वाला। ओह, अभी बंद हो गया, आप रहते नहीं हो यहाँ पे? वो जो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हुआ ना। अर्थक्वेक की वजह से? ओह, डैमेज हो, उसके बाद कुछ बनाया नहीं, क्योंकि बया इधर तो रहता ही नहीं, हम तो रहते नहीं। अच्छा अच्छा, उधर वो गेस्ट हाउस में रहते बया। पहले ये वाला था, फिर वो वाला बन गया। अच्छा, बढ़िया है। तो जब हम आया ना, वो ड्राइवर जी, वो ड्राइवर का, अच्छा वो ड्राइवर जिसने हमको वहाँ तक ड्रॉप किया था पत्थर तक, उसका घर है वो। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जो हमको ड्राइवर ने ड्रॉप किया था उस बड़े पत्थर तक, वो उनका घर है। मतलब सारे लोग शेरपा गांव के, मेरे को जहाँ पे जाना था वो गांव के लोग मेरे को उधर ही मिल गए थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक बड़े आसानी से पहुँच गया। कितना हरा भरा है भैया ये सब, पूरा आलू है ना यहाँ पे? आलू ज़्यादा खाते हो आप? नहीं, अभी आलू का सीज़न है। अच्छा, ये सीज़न है आलू का? और ये आलू के बाद ये उन लोग ये कौन कौन क्या बोलते हैं हिंदी में? कौन तो मेरे को भी नहीं पता क्या है। तो मकई बोलते हैं मकई। अच्छा, कौन कौन? अच्छा 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 अच्छा, हाँ मकई भुट्टा। अच्छा, वो लगाओगे? हाँ भुट्टा। अच्छा, वो लगाओगे? बढ़िया है। यहाँ से ऊपर बहुत सीन अच्छा दिखता है, अभी स्नो इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ नहीं, फिर भी अच्छा ही है मेरे लिए तो, मैं तो ये सब भी नहीं देखता। वो बोला वो है जो ऊपर स्नो दिख रहा है ना, ये इस तरफ वाला स्नो, वही पर जाना था मेरे को। वो लांगतांग से भी ऊंचा है? लांगतांग से भी ऊंचा। ओह, क्या बात है। लांगतांग तो ऑलरेडी 4000 फीट की ऊंचाई पे है ना, 4000। फिर वो कितना होगा? आसमान को टच करेगा क्या वो? जब वो उस ऊंचाई पे पहुंचा था तो ऐसा लगता है कि जब हम कहीं हेविन पर पहुंच गया। अच्छा, पूरा नीचे दिखता है, सब कुछ दिखता है नीचे का? नीचे दिखता है वहाँ से, और टिबेट भी थोड़ा, टिबेट का एक पार्ट का शहर भी दिखता है वहाँ से। ओ, शहर दिखता है टिबेट का वहाँ से? छोटा छोटा, छोटा वाला जैसे ये दिखता है, छोटा छोटा। क्या बात है, ऐसे ही दिखता है। कोई गया नहीं वहाँ पे? जाते होंगे ना लोग बहुत जाते हैं हमारे गांव के लोग। अच्छा, ये ओकेशन पर ये प्रेयर फ्लैग लेके जाते हैं। अच्छा, प्रेयर फ्लैग वहाँ पे एकदम टॉप पे? एकदम टॉप। ओ, और ये जो प्रेयर फ्लैग का ये जो लग रही है ना जी, आजकल तो ये थोड़ा मॉडर्न हो गया, ये लोग मेटल को यूज़ कर रहे हैं। पहले वो लकड़ी का यूज़ करते जो ऊपर दिखता है ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे लकड़ी का यूज़ करते, पहले लकड़ी का यूज़ करते थे। वो लकड़ी बहुत ऊपर से लेके आता है, क्योंकि ये इधर ये आसपास में मिलता नहीं वो लकड़ी। अच्छा, वो लकड़ी अलग है? अलग है, नॉर्मल लकड़ी नहीं है? नॉर्मल नहीं, ऐसा वाला नहीं है? ऐसा वाला नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अलग ही है, अलग लकड़ी है, ऊपर ही मिलता है वो? ऊपर ही मिलता है, ऊपर से लेके आते हैं। प्रेयर फ्लैग को ऐसे ही जगह पर लगाते ना जहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। पूरा पहाड़ है जो पहला वो जो देख रहा है ना, जो टूटा हुआ घर। हाँ, वो वाला घर गाँव का स्कूल हुआ करता था, वो स्कूल था। अच्छा, कोई बच्चा ही नहीं है तो ऐसे ही हो गया, वो स्कूल खत्म हो गया। यहाँ पे गांव में बच्चे नहीं है क्या? बच्चे नहीं है पूरा। फिर अगर कोई बच्चा हो गया उसको पढ़ाना, थोड़ा बड़ा हो जाता तो वो काठमांडू में भेज देते पढ़ने के लिए। उसको काठमांडू भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए, यहाँ नहीं पढ़ेगा वो? नहीं। अच्छा, पहले स्कूल हुआ करता था, अभी नहीं। और अभी हॉस्पिटल कोई बीमार पड़ गया? कोई भी नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं, बीमार भी पड़ा तो फिर नीचे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा ही नॉर्मल बुखार भी आ गया फिर भी नीचे जाना पड़ेगा? नॉर्मल बुखार तो वो लोग ऐसे घर पे बैठे, घर पे हो जाएगा ना, बुखार हो जाएगा। थोड़ा सीरियस होने के बाद जाना पड़ेगा, जब थोड़ा सीरियस होता है तब वो नीचे जाता। फिर भी वो जो बड़ा पत्थर है वहाँ तक तो चल के जाना पड़ेगा ना?
जो बीमार होगा वो भी चलेगा वहां तक, नहीं जो बीमार होता है ऐसे ये उसको उठाएंगे, इतने सब जमा करके उसको उठा के लेके जाएंगे स्ट्रेचर पे। स्ट्रेचर तो है ही नहीं, मगर ऐसे ही कुछ बनाते, कुछ बनाएंगे आप लोग लकड़ी का, उसको कैरी करके लेके जाएंगे उतना दूर। अरे बाप रे, खतरनाक चीज हो गए यार। ये गांव तो ऐसे अच्छा है देखा जाए तो, लेकिन ये गांव वालों के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल नहीं है, हाँ तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है पहाड़ पार कर करके, ये एक प्रॉब्लम है। बुजुर्ग लोग रहता है गाँव में, बस वही लोग यहाँ का जो यंगस्टर लोग सब काठमांडू में, सब काठमांडू भाग गए। बस बुजुर्ग लोग रहते हैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग लोग। अरे अभी लोग ना होने की वजह से खेत भी पूरा जंगल की तरह हो गया, खेत भी जंगल बन गया। पहले तो वो पहाड़ के नीचे तक पूरा खेत है ना, हाँ पूरा खेत था पहले, पूरा खेत अभी देखा खेत पूरा जंगल हो गया, अभी लोग ही नहीं है ना, इसलिए लोग नहीं है, जवान लोग नहीं है मेन तो, क्योंकि अगर कर उन लोगों ने खेती किया भी तो ये है कि देखने के लिए कोई बंदा नहीं है जी, कोई नहीं है, क्योंकि एक ही घर पे एक दो बंदे रहते हैं। अच्छा, हर घर में दो तीन लोग ही है, वही है। टोटल कितना होगा पॉपुलेशन यहाँ का? मेरे ख्याल से अभी पूरा गिनती किया करो तो शायद मेरे ख्याल से 20-25 होगा, 20-25 होगा ये पॉपुलेशन इस गांव का अभी अभी इस टाइम पे। मतलब अगर काठमांडू से आ गए सब लोग तो सब हो जाएगा, 100 से ज्यादा होगा। अच्छा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ओ ये तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा यहाँ पे। ये सब हुआ करते थे जब हम ऊपर हम लोग रहते और नीचे हम लोग ये जो शीप वगैरह, हाँ 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 हाँ, शीप वगैरह पालते थे आप नीचे। अच्छा, और ऊपर आप लोग रहते थे। ये इंडिया में भी ऐसे इस टाइप का घर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत गांव लोग में मैंने देखा, गांव में भी है और शहर में भी थोड़ा सा मॉडर्न करके है, मॉडर्न टाइप में, लेकिन गांव में तो है इस टाइप के जी। अभी तो पूरा स्टोरेज है पूरा। इससे पहले पुराना जब ये बनने से पहले घर इधर हुआ करता था हमारा, बहुत छोटा वाला इधर, ये जो बीच में जगह है ना, ये था आपका घर पहले? इस छोटे से जगह में हम लोग, मेरा माँ बाप और चार भाई चार बहन, छोटे से जगह में, इतने से एरिया में, छोटे से जगह में 8 और 2 10 लोग रहते थे। और बाद में एक शादी हो गया चला गया, दूसरा शादी हो गया चला गया, ऐसे करते करते सब कुछ सब लोग चले गए और घर भी चला गया, सब अलग अलग हो गया। हम बोलते हैं आलू बकरा, नेपाली में आलू बकरा बोलते हैं, आलू बकरा। अच्छा, जब ये पकता है तो ये पूरा लाल सा हो जाता है, पकने के बाद पूरा लाल, अभी तो ग्रीन कलर का है, देखने में ऐसा लगता है कि ये पीच की तरह है, पीच। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, पीच तो नहीं है, नेवल की भाषा में आलू बकरा बोलता है, आलू बकरा। अच्छा, कैसा लगता है ये खाने में? खाने में अच्छा, मगर खाने वाला कोई नहीं है, ये भी ऐसे ही है। खाने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, कुछ रहने वाला कोई भी नहीं है, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता, ऐसा ही घर बन, जब बच्चे लोग है सब काठमांडू में, इधर तो कोई है ही नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ है, ऐसा ही है घर। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन आएगा यहाँ पे जब कोई नहीं रहेगा यहाँ पे? रहेगा रहेगा, लेकिन क्योंकि अभी ये यंगस्टर लोग तो सिटी का लाइफ जो एक्सपीरियंस करके तो ये तो ऐसे गाँव में तो वापस आने का तो चांस ही नहीं है, नहीं उनका मन नहीं करेगा वापस आने का, मन नहीं करेगा। अगर इधर कुछ डेवलप हुआ तो मे बी आएंगे। इसको हमारे भाषा में बोलते हैं ठे, बोलता है ठे ठे ठे, टी एच ए ठे, नो नो ठे ठे, शायद मेरे ख्याल से डी ई आई होगा डे। अच्छा डे डे, अच्छा अच्छा, ये इस्तेमाल करते हैं जो हम खंगजिम से माल लेके आते हैं ना, हाँ तो यही लेके आता है, ये इस्तेमाल करते हैं तो बहुत काम का आदमी है। एक मेरे ख्याल से 50 या 60 किलो, 50 या 60 किलो अकेला डे लेके आएगा सामान, तो किलो के हिसाब से चलता है जी। और उसके चार्ज करते हैं वो लोग, उसको चार्ज करते हैं। मेरी दीदी को पानी लेके आना है उधर से, ओ तो लोग बोलता है कि चार्ज वहाँ से इधर तक 1500 का बात करता है, एक किलो का
नहीं वो पानी का अच्छा पानी का केस कितना केस है ना वो तो पता नहीं है मगर वो किलो के हिसाब से चार्ज लेते हैं ना वो अच्छा 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 ये याक्का सिंह नागालैंड की याद आ गई मेरे को ये देख के अच्छा नागालैंड को भी याद तो दिखाए होगा नहीं नागालैंड में याक नहीं है नहीं वो नागालैंड में पहले हेड हंटिंग करते थे ना अच्छा, अच्छा, तो उधर भी ऐसे घर घरों के सामने ऐसे सिंह ऐसे उनके मुंह वगैरह मिलेंगे आपको हाँ। जी वो दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा हाँ। प्रेयर लिखा हुआ है इस पर ये जो है ये तो मिक्स है संस्कृत में भी लिखा हुआ है संस्कृत में भी लिखा है इसमें ये ऊपर वाला का ये टिबेटिन का है नीचे वाला ये संस्कृत का है ओ दो लैंग्वेज का मिश्रण है मिश्रण तो कम्युनिटी में जब कुछ प्रोग्राम होता है या शादी वादी कुछ भी तो ये किचन है यहाँ का इस गांव का यहाँ पर खाना वाना बनाते हैं लोग ये है कम्युनिटी हॉल जो भैया ने खोला हमारे लिए दिखाने के लिए काफ़ी अच्छा है वैसे तो ये पूरा वुडन का टेबल वुडन का बैठने के लिए सोफ़ा काफ़ी सब कुछ वुडन का ही है ये पूरा रूम थोड़ा गर्म भी लग रहा है यहाँ पर दलाई लामा का फोटो जी दलाई लामा का फोटो है यहाँ पर ये मतलब ये लामा लोग यूज करते हैं गुम्बो में ओ लामा लोग ही यूज करते हैं उसको कोई नॉर्मल आदमी नहीं यूज करता अच्छा मगर इधर भी जो ये इस गांव में भी कुछ एक्स मॉन्ग है हाँ हाँ मॉन्ग्स है यहाँ पर तो वो यूज करेंगे अच्छा ये है किचन तो अभी मैं अपना रूम देखने वाला हूँ आपको भी दिखा देता हूँ कि मेरा रूम कैसा है नीचे वाले का जो रूम है वो उसमें बाथरूम नहीं अच्छा 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 ऊपर वाला का जो उसमें बाथरूम है नीचे वाला फिर कहाँ जाएगा बाथरूम साइड पे अच्छा उस साइड में है ओके ओके ठीक है तो ये है मेरा रूम मैं आज यहाँ रहने वाला हूँ छोटा सा रूम टूर आपको दिखा देता हूँ दो बेड मिले मेरे को वैसे तो और ये है टॉयलेट अभी हम भैया घर पे आ गए यहाँ पर खाना बन रहा है हमारा दीदी जो है खाना बना रही है आप आलू बना रहे हो दाल भात बना रहे अच्छा अच्छा दाल भात अच्छा अच्छा जी ये मांस है कौन सा मांस है ये जी बफ बफ मतलब बफेलो अच्छा 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 बफेलो का है अच्छा बफेलो तो नहीं खाता हूँ मैं यू आर गेस्ट हाउस ओके नाइस गेस्ट हाउस तो अभी लगभग 8:56 मतलब 9 बज गए और आज का जो दिन था काफ़ी थका हुआ था अभी मैं यही पे वीडियो एंटर देता हूँ ये मेरी रूम है ये मेरा बेड ये भी एक बेड है कोई भी दो में से एक यूज़ कर सकता हूँ तो वीडियो अभी एंड कर देता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक तो आप सब खुश रहो टेक केयर बाय बाय